संदेह जीवन में क्या करता है? बोलो जय श्री राम। संदेह जीवन में आपके अंदर के सुख को सुखाने लग जाता है। अंदर का जो आनंद है ना, अंदर जो आप फील करते हो आज बहुत आनंद आ रहा है, ये फिर सूखने लग जाता है, ड्राई होने लग जाता है। इसलिए कभी संदेह को जगह मत देना। आपको कुछ लग रहा है तो पास बैठो, बात करो, बात खत्म करो, मैटर को वही क्लोज करो ना। नहीं नहीं ऐसे कैसे क्लोज कर देंगे, हमें तो उसको लंबा खींचना है। अरे क्यों खींचना है भाई? ये ना समझी है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बुद्धिमान आप नहीं कहलाएंगे। बुद्धिमान वही जो मैटर को वही क्लोज करके आगे बढ़े। आपके सिर पर 20 किलो का कोई बोझा रख दे और आपको मौका मिले कि भाई ये उतार के मैं रख सकूं, और आपसे कहा जाए भैया अब उतार दो, नहीं नहीं जी मैं तो इसको सिर पर ही रखूंगा। अरे भाई मौका है उतार के रख दो। नहीं नहीं मैं तो इस पे प्लस करूंगा और 5 किलो रख दो मेरे सिर पर। कोई करेगा? आपसे कहा जाए करोगे आप? आप तो सोचोगे जल्दी से कोई कह दे उतार दे, जल्दी से उतार दूं मैं, ऐसा ही करोगे ना। तो जब वो बोझे को उतारने के लिए आप इतने उतावले रहते हैं तो यहां इतना बोझा भरने की जरूरत क्या है साहब? क्या आवश्यकता है? काय को रखते हो? निकाल के दूर करो ना, मैटर क्लोज करो, आगे बढ़ो। डाउट करने से आप अपना भी सुख नष्ट कर रहे हो और जिस तरह के एक्शन आपके द्वारा हो रहे हैं उससे सामने वाले का सुख भी इफेक्ट कर रहा है। डाउट आपने किया और सुख दो के नष्ट हो रहे हैं। एक संत कहते हैं यदि किसी ने गलती कर दी और आपने उसे क्षमा कर दिया तो क्षमा तो एक व्यक्ति होता है किंतु महाराज मुक्त दो व्यक्ति हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने क्षमा किया, दो व्यक्ति मुक्त कैसे हो गए? जिसको आपने क्षमा किया वो तो हुआ ही, किंतु क्षमा करने से आप ही मुक्त हो गए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो भैया भगवान की लीला में कभी संदेह नहीं करना चाहिए।